मेरे वालों सारे भैन भाइयों नूं सलाम होवे, जागतां बजुर्गां ते माइयां नूं सलाम होवे। अज दी गल लैके हाजिर होया है असम मसीह। अज मैं जिहड़ी गल लैके हाजिर होया वां, मैं अपनी कौम नूं पहचान देन लगा वां। ते जे पहचान आ गई तो तुसी संभल जाओगे, ते जे ना संभले तो मैं एक गल करांगा। वो गल हैगी कि भी जागदे रहना किसे ते ना रहना, क्योंकि किसी ने तुहाडा भार नहीं जे चुकना। भार तुसां अपना आपे ही चुकना है, क्योंकि कलामे मुकद्दस ने मैनू ते तुहानू बड़ी पहचान दित्ती है। लेकिन अफसोस का मुकाम है कि असीं अपनी पहचान गवा बैठे हाँ। सानू पहचान रब ने बड़ी सोहनी दित्ती, आखिया तुसी बरगजी का नसल हो, तुसी मुकद्दस कौम हो, शाही कहना का फिरका हो, तो खुदा की खास मलकीयत हो। लेकिन असी तो अपने हथां च अपने हथां च ठूठे फड़ के तुर पे हाँ। मैंने बड़े अफसोस ने कहना पै रहा है। अज मेरे भैन भाई जे अपने घर बड़े बड़े प्रोग्राम नहीं करते हैं, लेकिन वो कभी भी उस टाइम किसी को कुछ नहीं मंगते। लेकिन जिस वक्त असी को अच्छा काम करना चाह रहे होंगे और वो खुदा ही काम करना चाह रहे होंगे, तो फिर असी दूजियां वाल अपनी अखा चुक लें। मैंने अफसोस ने कहना पै रहा, अज यह अफसोस ने कहना पै रहा है कि असी कित्थे बैठे हाँ, साड़ी पहचान की है, क्यों असी अपनी पहचान लुका के बैठे हाँ। मेरे भैनों ते भाइयो, तुसी ते बरगजी का नसल है जी, तुसी शाही कहना का फिरका हो, खुदा की खास मलकीयत हो, क्यों तुसी अपने आप नू उस मिसाल दे वंगर कि एक बाज ने एक बाज शिकारी ने बाज का आंडा चुरा लिया, ते लिया के कुकड़िया दे विच रख दिता, ते कुकड़ी ने जो अपने आंडिया चो चूजे कढ़े तो उन्हां दे विच बाज का बच्चा भी आ गया। लेकिन बाज जिहड़ा सी जो कुकड़ी अपने चूजिया लैके बाहर निकली तो उन्हें अपने बच्चों नू सफर किदां दा रुक किया, वह उन्हां नू लैके ते रूड़िया दे उत्ते टुर गई। वह बाज का पुत्र भी रूड़ी दे उत्ते अपनी खुराक लभदा पिया सी। मेरे अजीजो, बाज दे एक वक्त च निगाह पई ते बाज रो पिया, आखे मेरा पुत्र जिनी पहचान जिनी खुराक आसमान दे विच सी, हवावां दे विच खुराक लभण वाला अज रूड़ियां दे उत्ते खुराक लभदा पिया है, क्योंकि उन्हें उहदी पहचान गवा बैठी सी, वह अपनी पहचान खो बैठा सी, अपनी पहचान गवा बैठा सी। अज असी भी चोरी किए गए हाँ, लेकिन सानू अपनी पहचान लई अपने रब वल तैयार करना पवेगा। लेकिन अफसोस का मुकाम यह वे कि मेरा नौजवान जिंदे लई मेरे रब ने आख्या तू पुत्र मेरी बरगजी का नसल है, तू पुत्र शाही कहने का फिरका है, मेरी खास मलकीयत है, लेकिन मेरा नौजवान मैनू अफसोस ना कहना पैंदा है। जो बहुत सारे पादरी साहबान नू लोग कहिंदे ने पादरी साहब साडे पुत्र लई कोई रिश्ता लभो, कोई पढ़ी लिखी कुड़ी दा ते अपना तुहाडा पुत्र अनपढ़ हुंदा है। मेरे अजीजो, यह पहचान तुसी दित्ती है, मावां नू प्योवां नू बड़े होश च नाखुल लैण दी जरूरत है, क्यों किसे दी धी दा बेड़ा गर्क करदे जे। अपने पुत्रां नू पढ़ाओ, अपनी कौम नू जे बनाना है तो अपने पुत्रां नू पढ़ाना पवेगा। किसी की धी का खाना खराब ना करो। मैं हुणे ही लफज औखे आखिया, जागदे रहना किसे ते ना रहना। तुसी खुद जागदे ने, आप भी सुते हो तो अपनी औलादां नू भी सवा दिता जे, ना आप होश दे विच आउंदे जे ते ना अपनी औलाद नू होश च आउंदे पए जे। साडा ज्यादातर नौजवान तबका वह झाड़ू फेरदा पिया, वह रोड प्रिंस बन गया है। साडियां बच्चियां
कोई एमए कर जाती है तो कोई बीए कर जाती है, कोई डॉक्टर बन जाती है, कोई इंजीनियर तो कोई पायलट बन जाती है, तो साडे मुंडे अनपढ़ रह जाते हैं। कि क्यों सुते जे मेरे अजीजो, जागो जागो, तुसी कित्थे खलोते हो? अज की गल मैं तुम्हें फिक्र मत देना चाह रहा, कुछ होश दे ना खुल लवो, कुछ तो अपने अंदर बेदारी लियावो। क्यों असं अपनी कौम का बेड़ा गर्क करके बैठे हाँ? साडा पुत्र पंजी पास हो जाता है, अही आने चल अपने प्यो का बांह बेली बन जा, वह भी झाड़ू फेरद, बाद ची भी झाड़ू फेर वह भी फेरद। यह अफसोस है मैं कहना पै रहा, अज असी अपने आप को कितने खिलार के बैठे हाँ? ना असी उन्होंने कभी, हालांकि जो गीत होंगे जो मां मर जाती है उदो गीत लाने गए, मां मां का गीत लाओ, मां को भुलाऊं कैसे, जीना सिखाया जिसने। पर मैं मावां नूं कहां, मां होश करो, तुसी अपने पुत्रां थापर थापे के समाउंदियां जे, उन्होंने कभी होश नहीं दवांदियां कि चल बच्चा उठ, तू भी खुदा दे कलाम नूं वेख लै, अपनी पहचान तुसा खुदा दे कलाम नाल बदलनी है। लेकिन तू ताडा उधर ध्यान नहीं है, साडे बच्चे कुप्पी पींदे पए ने, शराबां पींदे पए ने, धियां दे घर तबाह हुंदे पए ने। जो साडिया बच्चिया पढ़ लिख जांदियां ने फिर वो किने पॉसिबल है कि वह किसी अनपढ़ मुंडे नाल विआह करन? किसी ते उंगली चुको तो पहला अपने गिरेबान च झाती मारो, तुसी ते अपने वल ध्यान ही नहीं मारदे पए, तुसी किसे दी उंगली चुकदे पए जी, फलां दी धी इंज फलां दी धी इंज, ते आपे पुत्तर वल क्यों नहीं ध्यान करदे जिहनू तुसां कुप्पी नैण बना छड्डिया है, जिहनू रोड प्रिंस बना दिता है। मैं बड़े बड़े सोहने मुंडे रोड दे उत्ते झाड़ू फेरदे वेखना वा, सड़कां उत्ते झाड़ू फेरदे सोहने मुंडे हुंदे ने, लेकिन अफसोस का मुकाबले मां प्यो दे उत्ते जिहड़ा उन्हां नूं पढ़ाउंदे ने। क्या पढ़ाई वास्ते भी तुहानूं किसे वल जाण दी वेख दी जरूरत है? क्यों हुण भी तुहानूं जरूरत है? ताडे वास्ते अजे भी बड़े बड़े दरवाजे खुले ने। जे तुसी सीटा वास्ते पान खाण वास्ते अपनी जेब च पैसे कढ़दे जे, ते ओ पैसे अपनी औलाद ते क्यों नहीं खर्च करदे पए? एक कौम बन जो अपनी पहचान बनाओ पाकिस्तान च, पाकिस्तान नूं ताडी जरूरत है। मैं किसी मजहब की गल नहीं कर रहा, मैं किसी फिरके की गल नहीं कर रहा, मैं कौम बनने की तुहानूं गल दसना चाह रहा। क्योंकि बाज भी जो होया तो फिर जो लै गया तो फिर उन्हें उड़ना सिखाया, क्यों तुसी रूड़ियों उत्ते खुराक लभदे पै जे? वो तुसी बड़ी मुकद्दस कौम है जे, तुसी शाही कहने का फिरका जे, बरगजी का नसल जे, खुदा की खास मलकीयत जे, लेकिन तुहानूं तो अपनी पहचान ही भुली पई है। सवाए तुहानूं टिचकरां करन तों अलावा इस तों अलावा कोई काम नहीं। शायद मेरी गल बहुत सारे नौजवानां नूं बुरी लगे, ते कुछ सिर्फ जे विआह करदे ने उन्हां दी कोशिश हुंदी है कि मैं कोई काम कार ना करा, जे कोई पढ़ लिख जांदा है वह सोचदा मैं किसे नर्स नाल विआह कर लां, ते बाद च उहनूं छड्डण ते लिआउण ते उहदा जोर हुंदा है, ते घर लम्मे पिया या टीवी वेखदा रहिंदा ते या मोबाइल ते वेखदा रहिंदा। मेरियां गल्लां बहुत तुहानूं बुरियां लगदियां होणगियां, खास तौर ते जिहड़े कुप्पी मैन ने, या ओह चरसा पींदे ने, या ओह बूटियां पींदे ने कब्रस्तान विच बह के, या जिहड़े सिर्फ घर लम्मे पै रहिंदे ने ते सिर्फ बीवी छड्ड के आ जांदे ने ते लै के आ जांदे ने। भाई जागो मेरे अजीज भैण भाईओ, जागो, सुते ना रहो। अही तो पहले ही तुहानू अपने दूजे की हालत का पता है, सानू अपन हालतों का पता है, असी की करने पे हाँ, साडी वैल्यू की है। सत्तों तो पहला कुछ याद कर लो, तुसी किन्ने अहम सो पाकिस्तान च, अज तुहाडी की वैल्यू रह गई पाकिस्तान च? अज जरा गौर तो करो, तुसी कित्थे सो ते कित्थे आ गए हो? हमेशा अही दूजियां उत्ते ही ब्लेम लाते रह जाएंगे, अं दूजों के उत्ते गल करते रह जाएंगे, यार उन्हें साढ़े लिए कुछ किया, उन्हें साढ़े लिए की किया है। मत किसी दे उंगली चुको, अपने गिरेबान च झाती मारन लग पवो।
शायद तुहानू समझ आ जाए मैं कहना की चाह रहा वा। ओ मेरे अजीजो, ए गल जिहड़ी मैं शुरू च कही है ना कि जागदे रहना किसे ते ना रहना, मत किसे ते खा लाओ। इत्थे ते सक्का भरा सक्के भरा नहीं पुछदा, तो तुसी किसे ते क्यों खलाते पै जी? अपने डंडा दे भार उत्ते भरोसा रखो। तुसी बहुत कुछ करन जोगे हैगे जी, लेकिन अफसोस का मुकाम है कि तुसी अपने आप नूं लूले बना के बह गए जी। हर तरह के तुहाडे कोल औजार मौजूद ने, तुसी सब कुछ कर सकते जी। मेरा नौजवान, मैं चाहना वा कि मेरा नौजवान पाकिस्तान के अंदर बिजनेसमैन भी होवे, मेरा नौजवान इंजीनियर भी होवे, मेरा नौजवान डॉक्टर भी होवे, लेकिन अफसोस का मुकाम है कि सुते हैं। जे कोई पढ़ लिख जाता है तो वह सोचता ही नहीं कि मैं दूजे की बांह भी फड़नी चाहिए है। असी हमेशा यह सोचते हाँ मैं कामयाब हो गया वा, हुण मैनू किसे होर की लोड़ नहीं। पर मेरे अजीजो, एक दूजे की बांह फड़ना शुरू कर देंगे। अज जरूरत है भी असी सारे जागीए, असी सारे होश च आ जाइए, ताकि असी हर एक नूं कहीए भाई तू ही जाग, भाई तू ही जाग। जे असी एक दूजे नूं जगाउण लग पए तो मेरे ख्याल असी कौम बन जावांगे। अज कौम बनन दी लोड़ हैगी जे। मैं अज इस प्रोग्राम नूं मेरे करन दा मकसद ये सी कि जागदे रहना किसे ते ना रहना। जय मसीह दी, पाकिस्तान जिंदाबाद।